जालौर के मोदरान में नम आंखों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन भी रखा। मोदरान चौकी प्रभारी प्रेम सिंह राठौर के मुताबिक इस दौरान ग्रामीणों ने कैंडल मार्च भी निकाला। ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध भी दर्ज कर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लेकर पूरा देश गुस्से में है। हर कोई पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहा है। वहीं कुशीनगर में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए आधा दर्जन देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चिवर चढ़ाकर दुख की घड़ी में शहीदों के परिवारों को सुख शांति की कामना की। इस प्रार्थना सभा में थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत, ताइवान देशों के सैकड़ों बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। जो कश्मीर में हमारा देश का जवान करीब 45 जवान शहीद हुआ है, उसी के दुख में पूजा पाठ किया। ये लोग कम से कम सुख शांति मिले इस भावना से हम लोग। हाल ही में कश्मीर में आतंकवादी हमला में 45 दिवंगत जो जवानों को आत्मा का शांति के लिए कुशीनगर में अग्गा महापंडित वेदांत गणेश्वर जी के नेतृत्व में अंतर्जातिक बौद्ध भिक्षु तथा अंतर्जातिक बौद्ध उपासक उपासिकाएं ज्वाइंटली ये प्रार्थना किया है उनको आत्मा का शांति के लिए। शामली की कैराना पुलिस को नशाखोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। पकड़े गए तस्कर नशे के इन इंजेक्शन को युवाओं को बेचा करते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक मेडिकल स्टोर संचालक है। शामली पुलिस को सफलता मिली है और शामली पुलिस में लगातार नशे के खिलाफ, अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चल रहा है। उसी तारतम्य में हमारे कैराना पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें नशे के इंजेक्शन करीब 50 इंजेक्शन से ज़्यादा हैं और ये काफ़ी भारी मात्रा में और भी मिलने की उम्मीद है। इसमें 3 लोगों को हमारी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। इस पर पूरा ये रैकेट हो सकता है, इस पर आगे की भी कार्रवाई प्रचलित है और इनको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। ललितपुर के कुम्हेड़ी गांव में युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां मंदिर में पूजा करने आए युवक का सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्त के साथ पूजा के लिए आया था। वारदात के बाद से ही मृतक का दोस्त भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर सहरसा के जिला पदाधिकारी ने प्रशासनिक बैठक की। इस बैठक में एसपी राकेश कुमार, डीडीसी राजेश कुमार सिंह, सदर एसडीओ शंभुनाथ झा और दूसरे कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने परीक्षाओं के संबंध में प्रशासन और अध्यापकों को सख्त हिदायत दी, साथ ही कहा कि परीक्षा नकल विहीन तरीके से कराई जाए, साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आरा सदर अस्पताल में बुधवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब इलाज कराने आए मरीजों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। संघर्ष में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, इसके साथ ही चाकुओं से भी कई वार किए गए। घटना में पिता और बेटे जख्मी हो गए। आनंद फानंद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट पैसे के लेन देन की वजह से हुई है। दवाई कराने के लिए मारा हमको, हो जाए पटक के दूध बिक दिया, गरम पिता से कपार थोड़ दिया है, हम बिगा गए। आया था लड़का हमारा है, वो भी लड़का है, दवाई करा रहा था, तो हम बैठ गए, आया घोप से ने छुरा मार दिया। हाँ, यही जी।